हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 70 क्वेश्चंस पर। आशा करता हूं कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी बताइए, चूँकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है। और आपसे ये भी विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आगे मैं आप सभी की मदद करूंगा फ्री ऑनलाइन क्लास पढ़ाकर, जिसमें मैं लाइव आऊंगा आप सभी के सामने। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने वीडियोस देखें। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जब एग्ज़ाम होगा तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लासेस से होंगे। अभी आपको ये लगता होगा कि बहुत ज़्यादा वो जो है वो क्लासेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप हमारे जितने भी मैंने वीडियोज़ डाले हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारी क्लास से आगे का नहीं होगा। और अगर आप हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 7054161270 पर, आजकल डिस्काउंट चल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रजाति के संदर्भ में यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की थी? तो यूनेस्को ने समाजशास्त्रियों की कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था डियर फ्रेंड्स 1952 में। यूनेस्को में कितने इस समय स्थल शामिल हैं आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। हाल ही में दो बढ़े हैं, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अगला, समाज के संबंध में लिखित कथनों का अध्ययन करें। तो पहला है, क्या समानता पर आधारित है? गलत, समाज समानता पर आधारित बिल्कुल नहीं है, या भिन्नता पर आधारित है। समानता और भिन्नता दोनों पर आधारित, तो ये भी गलत हो गया। यह पारस्परिक प्रतीति पर आधारित है, यह भी गलत है। या भिन्नता एवं समानता दोनों पर आधारित है, इसलिए केवल चार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम पावर डेमोक्रेसी प्लानिंग किसकी पुस्तक है? फ्रीडम पावर डेमोक्रेटिक प्लानिंग, यह पुस्तक है कार्ल मैनहीम की। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, शारदा एक्ट का पारित हुआ है, आप सभी को पता ही होगा शारदा एक्ट के बारे में 1929 में, और हरिविलास शारदा ने इसे पारित कराया था। और यह है बाल विवाह से संबंधित, एज क्या है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। हरिविलास शारदा कहाँ के रहने वाले थे ये भी कमेंट करके बताइए। सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले कुचल देना चाहिए, ये कोटेशन किसकी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसे बता देता हूं, पार्सन साइंस का जवाब। अगला, मानव विकास के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? तो मानव विकास के प्रमुख आयाम है, पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता का प्रतिशत, और तीसरा है रहन सहन का स्तर, 1, 2, 3। अगला, कॉलेज का अध्ययन या कॉलेज का अध्ययन किसने किया है? तो जीएस घुरिया ने कॉलेज का अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के चार प्रकार बताए? स्वाभाविक सहयोग, परंपरागत सहयोग, निर्देशित सहयोग और संविदात्मक सहयोग। तो इस प्रकार सहयोग को बताने वाले हैं रॉबर्ट निस्बिट, स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित और संविदात्मक। रॉबर्ट निस्बिट। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, विवाह किसने कहा? विवाह की जड़ परिवार है, परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी होगा, वेस्टर्न मार्क होगा। विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में, वेस्टर्न मार्क। अर्ध समूह का सिद्धांत किसने दिया है? अर्ध समूह का सिद्धांत दिया है एसी मेयर ने। अर्ध समूह का सिद्धांत दिया है एसी मेयर ने। और प्राथमिक समूह का सिद्धांत किसने दिया आप कमेंट करके बताइए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच कराना है। तो भूमिका ग्रहण किसे कहा जाएगा? रोल टेकिंग। बहुत, और मेरे वीडियोस आप देखिए, वहाँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी मैंने भी डिस्कस करे हैं, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारे ग्रुप पर। भूमिका ग्रहण ऑप्शन लेते हैं, मिस्टर एक्स ने स्टेज पर शेक्सपियर की भूमिका प्रस्तुत करी,
गलत, ये पहले से नहीं मैच करेगा। मिस्टर एक्स विद्यार्थियों को अपनी तरह से पढ़ाते हैं, गलत। बच्ची अपने प्रति अपनी माँ की भूमिका का अनुकरण करती है, यह है भूमिका ग्रहण। पहले का तीसरा सही हुआ। अगर देखा जाए तो इस तरह से पहला सही हो गया, एलिमिनेशन मेथड काम कर गया। भूमिका निर्वहन के क्या हो जाएगा, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वह निर्वहन करता है, यानी कि भूमिका को उस तरह से एक्सप्रेस करना। अगला, भूमिका रचना, मिस्टर एक्स विद्यार्थियों को अपनी तरह पढ़ाते हैं, मतलब एक नए तरीके से पढ़ाने की शैली को विकसित करना भूमिका रचना कहलाता है। और भूमिका अभिविन्यास क्या है, स्टेज पर शेक्सपियर की भूमिका का प्रस्तुतिकरण, जैसे होता ना कि किसी हीरो की मिमिक्री करना, उसे भूमिका अभिनय कहते हैं। बृहद जैविक मानव समूह प्रजाति को किसने कहा है, बृहद जैविक मानव समूह, ये अर्नाल्ड ग्रीन ने कहा है, प्रजाति को बृहद जैविक मानव समूह के रूप में बताया है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की विधि समाज के संस्कृति का मात्र निर्धारक है। कार्ल मार्क्स उत्पादन की विधि, मोडा प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे ही कंसेप्ट आए कार्ल मार्क्स लगाइए, मोडा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, एलिनेशन, है ना, ये सारे शब्द आए तो कार्ल मार्क्स लगाइए। प्रजाति के निर्धारण में लिखित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक स्थायी माना जाता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो ये माना जाता है शीर्ष देशना 15 नंबर क्वेश्चन, वेस्टर्न मार्ग के अनुसार परिवार के प्रारंभिक स्वरूप क्या है, परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक है। सोलह नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भूमिका के बारे में बताना है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार संपन्न करता है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं, गलत। भूमिका स्थिर है, यह भी गलत, भूमिका बदलती रहती है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकारात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पहला और चौथा सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधु मूल्य का भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है, एक प्रथा के रूप में किस में किया जाता है, विवाह के कितने प्रकार हैं और मनु ने विवाह के कितने प्रकार बताए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर, किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे एक साथ भोजन कर सकते हैं। ये भी मेरे लेक्चर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने क्लास ली थी। इसका जवाब होगा विद्या जनजाति में। विद्या कहाँ की जनजाति, कमेंट करके बताइए। अगला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अपने आप में यही एक क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें किन नियमों को सम्मिलित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है कहा जा रहा है, तो इसमें नहीं सम्मिलित किया गया गोत्र को और साप्रवर को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम कब आया कमेंट करके बताइए, विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम कब आया कमेंट करके बताइए, सती प्रथा अधिनियम कब आया कमेंट करके बताइए। मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है, पहला ऑप्शन लेते हैं, सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, गलत। सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, गलत। सभी लोग समान समस्याओं का निराकरण करते हैं, ये सही है, ये गलत। वह प्रक्रिया जिसमें कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो कुछ विशेषताओं को खो देती है, इसे क्या कहा जा रहा है, पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है इसे। कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है, परिस्थिति का सूचक कौन नहीं है, तो श्रमिक परिस्थिति का सूचक नहीं होते। अगला, समुदाय का कौन सा उदाहरण है,
भारतीय मूल के व्यक्ति व्यक्ति नहीं, समुदाय नहीं, सामाजिक भारतीय समाज नहीं, ये श्रमिक संघ समुदाय का उदाहरण है। ग्रामीण और नगरीय समाज में निम्नलिखित भिन्नताओं में से कौन अधिक मौलिक है? तो व्यावसायिक विभिन्नताएं ज्यादा मौलिक है। धर्म की उत्पत्ति, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, धर्म की उत्पत्ति अज्ञेय के भय से हुई है, मतलब जो ज्ञात नहीं है उसको, जो हम जानते नहीं उसको डर से हुई, जैसे प्रेतवाद है ना, और प्रकृतिवाद, फिर वैज्ञानिकता, ये सब सोच आई। तो जो हमें ज्ञात नहीं है उसकी हम पूजा करें, यही ये धर्म का सबसे पहला स्टार्टिंग में माना गया। सापेक्षिक वंचना, सापेक्षिक वंचना प्रत्यय किसने दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। रॉबर्ट किंग मर्टन, सापेक्षिक वंचना एग्जैक्टली टर्म किसने यूज किया है ये बताइए। रिलेटिव डिप्रिवेशन, और बुक का क्या नाम है? 27 नंबर, किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्ति बौद्ध धर्म को ग्रहण कर किया है? तो जब अंबेडकर ने जो है धर्मांतरण किया था तो लगभग ढाई लाख लोग जो है उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया था बौद्ध धर्म की तरफ। अगला, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक सही नहीं है? विलेज इंडिया मैरियट सही है, लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट एडफील्ड सही है, इनक्वालिटी एंड सोशल चेंज ये गलत है। द सोशल सिस्टम पार्सन्स की पुस्तक है। इनक्वालिटी एंड सोशल चेंज किसकी पुस्तक है कमेंट करके बताइए आप लोग। मेरा बुक्स पर भी वीडियो है, देख लीजिए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं भैया उसे, दूसरी संस्कृति को सीखना। संघर्ष सहयोग से एक क्रास पर कटा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। मैकाइवर एंड पेज की पुस्तक का क्या नाम है कमेंट करके बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन, बस्तर के मुरिया जनजाति का अध्ययन किसने किया है? वेरियर एल्विन ने। इन्होंने जंगलों को क्या कहा था कमेंट करके बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन, समाज की विभिन्न इकाइयां, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा क्या कहलाता है? वो कहलाता है संरचना। छुओ और जाओ किस समूह की विशेषता है? द्वितीय समूह की विशेषता है। पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी सरकार स्थापित करना, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज व्यवस्था कब आई भारत में? सबसे पहले इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लागू हुआ? अशोक मेहता कमेटी कितने जो है ग्रुप की बात करती है? बलवंत राय मेहता कितने ग्रुप की बात करती है? कितने मतलब लेयर्स की बात करती है? ये सारी बातें आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। आप लोग भी मेहनत करिए कुछ हमारे साथ, ना तो आप लोग ग्रुप को शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और सारी चीज़ें होती रहेंगी आप लोगों की, इसलिए एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत से पढ़िए। अगला, नातेदारी के संबंध में लिखित में से किसने कहा है? इरावती कर्वे ने कहा। इरावती कर्वे भारत के नातेदारी को कितने भागों में बांटती है और इनकी पुस्तक का क्या नाम है कमेंट करके बताइए। सारी चीज़ें मेरे क्लास से हैं। इमाइल दर्खाइम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है, मतलब आधुनिक समाज कैसा है? तो बेसिकली आधुनिक समाज की जो प्रकृति है वो क्षतिपूरक है, सप्रेसिव रिप्रेसिव लॉ के फॉलो करती है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद निम्नलिखित में से किस पद से संबंधित है? तो ये नरजाति केंद्रवाद से संबंधित है। ये कंसेप्ट किसने दिया कमेंट करके बताइए, और होता क्या है नरजाति केंद्रवाद, ये सब मैंने बता रखा है।
अगला, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव में चुनाव के निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार अवांछनीय हैं जो वैल्यूएबल नहीं हैं? तो इसमें असुर, राक्षस और पैसाच, ये नहीं, एक और कौन सा नहीं वो कमेंट करके बताइए। चार मान्य विवाह हैं, चार अमान्य विवाह हैं, चार अमान्य विवाहों के पूरे नाम बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जन्म की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जनन शक्ति। पुनर्जन्म की जैविक क्षमता को जनन शक्ति कहते हैं। अगला, मैच द फॉलोइंग का कंसेप्ट, बहुत ईजी प्रश्न है, सब मेरे ख्याल से सभी लोग लगा लेंगे। दुर्खीम सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, सामाजिक तथ्य कितने प्रकार के हैं ये बताइए। आप लोग थोड़ा सा अंदर जाके आप लोगों से पूछते हैं। तो इस तरह बी का पहला मिल गया, तो देखो दो जगह मिल रहा है, तो इस तरह से ये तो नहीं होगा, यही होगा। और पहले का तीसरा देखो मिला, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल, फ्राइड की पुस्तक का नाम बताइए आप लोग। आत्मविकास की बात करते हैं कूले, और पार्सन्स भूमिका अपेक्षा की बात करते हैं, तो सी का हो गया चौथा। तो इस तरह से बी सी ऑप्शन लग गया, सॉरी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, ओक्का लिंगा, ये ओक्का समझ हो गए बी का पहला। तो देखो ये तो दो कट गए, ये तो पक्का नहीं होंगे, बचे ये दो, तो पहले का दूसरा हो गया धारवाड़ नायर की होते हैं, घारवाड़ नहीं धारवाड़ है ये, ईलम नंबूदरी होते हैं, डी का फोर हो गया। तो जिसमें डी का फोर हो गया वही सही हो गया, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। नो गारो हो गए, गारो कहाँ की जनजाति है कमेंट करके बताइए आप लोग। इतनी हाई कट ऑफ जाएगी कि आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं ऐसे कोई फायदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नातेदारी शब्द यह इंगित करता है कि माता की अपेक्षा पिता की बहन को अधिक महत्ता प्रदान की जाती है? तो इस तरीके से अधिक जो महत्ता प्रदान की जाती है उसे फ्रेंड्स कहा जाता है पितृश्वासा प्रथा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अल्पसंख्यक समुदायों के आकारों की बात करी गई है। तो सबको पता है सबसे बड़े पहले नंबर पर है मुसलमान, कितने परसेंट हैं, लगभग 14% के आसपास। दूसरे नंबर पर हैं ईसाई, करीब 2.25% के आसपास है, सॉरी ये सिख नहीं होगा, दूसरे नंबर पर होगा ईसाई, तीसरे नंबर पर होगा सिख, चौथे नंबर पर होगा बौद्ध। इनमें सबसे ज़्यादा शिक्षा दर किसकी अच्छी है ये कमेंट करके बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जन्म मूलक परिवार में क्या सम्मिलित है? तो इसमें भैया माता पिता और अविवाहित भाई बहन आते हैं। यानी पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया। अब अगला ऑप्शन, उत्पादन की शक्तियाँ, पहले का दूसरा, यानी कि ये कट गया और ये कट गया, कार्ल मार्क्स। तो पहले का हो गया दूसरा सही, और जैव सादृश्यता स्पेंसर का है, धार्मिक नैतिकता मैक्स वेबर का है, और सांस्कृतिक अंतराल है आकबर्न का। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है एक मेगालोपोलिस मतलब होता क्या है, ये शहर का एक दरअसल एक प्रकार है। तो इसमें कहा जा रहा है नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित होते, गलत। 1 करोड़ की आबादी वाले, गलत। 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीय क्षेत्र मेगालोपोलिस कहलाता है। एक मेगालोपोलिस में कितने लाख लोग रहते हैं कमेंट करके बताइए। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उसके निम्नलिखित में से क्या परिभाषा प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो
तो भाई उसे प्रजनन मूलक परिवार कहा जाएगा। अगला, पूंजीवाद के विकास का संबंध किससे जोड़ा है? कैल्विनवाद से जोड़ा है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर कैल्विनवाद कितने धर्मों का अध्ययन किया, कमेंट करके बताइए। अगला, 49 नंबर, कुवेद नातेदारी प्रथा है, पहले का चौथा। जाति क्या है, अंतर्विवाही है, सी का दूसरा। और उसके बाद जो है कुला क्या है, उपहार विनिमय। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो, ये सी ऑप्शन सही हो गया। अगला 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित जनतंत्र की कौन सी विशेषताएं शामिल हैं? पहला ऑप्शन, राजनीतिक दल जनतंत्र में होना चाहिए है, निर्वाचक मंडल होना चाहिए है। निर्वाचक मंडल के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया, कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा 18 साल विवाह की उम्र को रखा गया है। सारे ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चन पर इसमें बात करेंगे। और आपको अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 7054161270 पर कॉल करके हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।